हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड ऑल के ऊपर। आज हम ऑप्टोकपलर के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग को समझेंगे और इसका इंटरनल डायग्राम भी देखेंगे कि असल में ये काम कैसे करता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस किस सर्किट में ये लगता है। तो चलिए जल्दी से हम ऑप्टोकपलर की जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। ऑप्टोकपलर इज एन डिवाइस विच ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन टू आइसोलेटेड सर्किट। कहने का मतलब एक सर्किट से दूसरे सर्किट में आपकी जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। तो आपको मैं ज़्यादा अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसके आगे जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। इट इज़ मेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये दो तरह के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उनका बना होता है। एक है इसमें फोटो डायोड, जो कि ये वाला डायोड इसका सिंबल है, यहाँ पे टू एरोज जो मैंने दिखाए हैं ये एलईडी के साइन है। जैसे एलईडी होता है वैसे एक फोटो डायोड भी होता है। तो सेकंड मटेरियल होता है इसमें फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा, उसका कुछ ऐसा डायग्राम होता है। ट्रांजिस्टर में आपको पता है कि थ्री पिन होती हैं, अगर एनपीएन है या पीएनपी है उसमें दोनों में थ्री पिन्स होंगी, एक होगा बेस, एक होगा कलेक्टर, एक होगा अमीटर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दो पिन नज़र आ रही है, लेकिन तीसरी पिन नज़र नहीं आ रही, बिकॉज तीसरी पिन जो है वो इस फोटो डायोड के थ्रू ही हमारी बनती है। तो आगे चल के हम समझते हैं कि ये तीसरी पिन हमारी कैसे बनती है। तो ये देखिए, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो ऐसा है। इसमें टोटल फोर पिन होती हैं और यहाँ पे एक डॉट जो होता है उसे हमें आइडेंटिफिकेशन लगती है कि पिन नंबर वन इस साइड है। तो जैसे कि यहाँ पे डॉट है तो पिन नंबर वन टू थ्री एंड फोर है। तो इसको हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके अंदर का सर्किट कैसे होता है। देखने में तो बाहर से ही हमें ब्लैक कलर का एक मटेरियल ही नज़र आएगा जिसकी फोर लेग होती है, लेकिन इंटरनली ये कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या होता है, वो आपको आगे मैं दिखाता हूँ। तो इसमें बेसिकली टू पार्ट होते हैं, एक में होता है ये फोटो डायोड और दूसरे में होता है ये फोटो ट्रांजिस्टर। तो चलिए हम आपको आगे इसका जो वर्किंग है वो बताता हूँ। आपको इसकी जो प्रैक्टिकल भी मैं चेक करके बताऊंगा मल्टीमीटर के साथ कि हम इसको कैसे चेक करेंगे। तो आपको मैं पहले बेसिक अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ इसके कि इंटरनली ये होता कैसा है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक डायोड है और यहाँ पे ये दो एरो जो ऊपर को निकले हैं ये एक फोटो डायोड का सिंबल है, ठीक है। तो इसमें बीच में कोई भी इंटरनली कोई भी सर्किट एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। तो ये वाला ट्रांजिस्टर है हमारा। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि ये जो मैंने एरो बनाया है इसका क्या मीनिंग है, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फोर पिन्स हैं इसकी, एक पिन वन नंबर, यहाँ पे मैंने डॉट बनाया हुआ है, इसका मतलब वन नंबर पिन है, टू थ्री और फोर। चलिए अब इसके हम नेम भी देख लेते हैं कि पिन नंबर वन जो है वो एनोड है, पिन नंबर टू ये कैथोड है। जैसे डायोड की होती है पिन, वैसे ही सेम इसकी पिन भी होती है। और थ्री नंबर पिन जो है वो मीटर है और फोर नंबर कलेक्टर है। और इसमें जो बेस पिन है वो मिसिंग है, वो इसलिए क्योंकि बेस पिन इसकी यहाँ पे है, यहाँ पे बनेगी। तो बेस पिन हमारी एक्टिवेट होगी जब ये एलईडी अपनी लाइट को इसके अंदर ट्रांसमिट करेगा, इसकी लाइट के थ्रू ये एक्टिवेट होगा और यहाँ पे हमारा कोई भी सर्किट जो होगा वो वर्किंग करने लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सप्लाई देनी है और सप्लाई देने के साथ ये एलईडी ग्लो होगा। एलईडी जैसे ही ग्लो होगा तो ये रिफ्लेक्शन देगा इस ट्रांसिस्टर के ऊपर। जैसे ही ये इसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो ये वर्किंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी डिवाइस लगा होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें फिजिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम करेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या हमारा बेनिफिट है, ये कहाँ कहाँ लगता है। ज़्यादातर ये SNPS सर्किट में लगता है और ज़्यादातर सेंसिटिव जो पार्ट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक के, वहाँ पे इसको लगाया जाता है एज ए सेफ्टी। और इसका एक बेनिफिट होता है, मान लो यहाँ पे काफ़ी ओवर वोल्टेज आ गई, जहाँ ओवर करंट फ्लो हो गया, तो ये क्या करेगा, डायोड बर्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये इस साइड में अगर हमारे सेंसिटिव पार्ट लगे हुए हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक के, कुछ ICs हैं या कुछ और रजिस्टर्स हैं, तो उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये LED बर्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और ना ही इन जो भी यहाँ पे इसके आगे कंपोनेंट लगे होंगे उनके ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट आएगा। तो ये रहा इसका मेन एप्लीकेशन। तो चलिए दोस्तों अब मेन मुद्दे पे आते हैं, हम इसको अब टेस्ट करते हैं कि हम मल्टीमीटर के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो ऑप्टोकपलर है वो बर्न है या ओके है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्टोकपलर हैं, तो हम इनको आज चेक करेंगे।
चलिए दोबारा इसको चेक करते हैं और देखते हैं ये हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये देखिए ये वाली साइड जो है वो डॉटेड वाली है, तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। जिसमें डॉट है उस साइड में हमें एक पहले रेड वाली प्रॉप को रखते हैं और इसके ऊपर ब्लैक वाली को लगा के चेक करते हैं। तो ये देखिए 1033 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो शो कर रही है मल्टीमीटर के ऊपर, ये देखिए। तो जैसे ही मैं इसको अब इंटरचेंज कर दूंगा तो यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए, ये देखिए कोई रीडिंग शो नहीं कर रही है। इट मीन्स ये हमारा डायोड वाली सेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी साइड जो है इसकी, यहाँ पे दो पिन्स हैं जो ट्रांजिस्टर वाली हैं, मीटर और कलेक्टर पिन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आएगी आपको, अगर रीडिंग आए तो ये ख़राब है। और इसको मैं दोबारा उल्टा कर देख लेता हूँ, यहाँ पे भी आपको कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है आपको, इट मीन्स ये वाला ऑप्टो कपलर बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास दूसरा एक और ऑप्टो कपलर है, उसको भी देख लेते हैं। सेम साइड मैंने देखनी है डॉट वाली, जहाँ पे पिन का डॉट है वहाँ पे हम चेक करेंगे इसको पहले। ये देखिए यहाँ पे रीडिंग हमें 23 ओम शो कर रहा है ये, लेकिन ठीक वाले में ये 1032 ओम थी, ठीक है। लेकिन हम इसको फिर भी इंटरचेंज करते हैं। दोस्तों ये तीनों के तीनों ऑप्टो कपलर सेम ही नंबर के हैं, तो इनमें रीडिंग बिल्कुल सेम ही आनी चाहिए। ये देखिए मैंने इंटरचेंज कर दिया, फिर भी सेम ही रीडिंग आ रही है 24 ओम। तो इट मीन्स ये वाला जो हमारा फोटो डायोड है इसमें बर्न है। तो चलिए ट्रांजिस्टर भी इसका चेक कर लेते हैं। अगर आप ट्रांजिस्टर चेक कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन में कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही, को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। इट मीन्स इसका जो आउटपुट वाला सेक्शन है पिन नंबर 3 और 4 है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिन नंबर 1 2 में जो डायोड है वो ख़राब है। तो ये वाले सारे सेम ही हैं, तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। और आपको एक बात बता देता हूँ मैं, इसमें इंटरचेंज में कोई भी रीडिंग आपको शो नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 में अगर लगाता हूँ यहाँ पे, तो कोई रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी कोई रीडिंग शो करती है तो भी ये ख़राब है। तो ये थी दोस्तों इसकी टेस्टिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसी वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।